3, 2, 1, now. Particle taken out. स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, कम ऊंचाई से जाकर दुश्मन के हर ठिकाने को करेगी तबाह। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आज उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल की सभी उप प्रणालियों ने आशा के हिसाब से प्रदर्शन किया। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज ITR ने विभिन्न जगहों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली EOTS और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर लगाए थे। भारतीय वायु सेना के SU-30M के विमान से भी मिसाइल की उड़ान पर नजर रखी गई। मिसाइल ने मार्गदर्शक समुद्री प्रणाली का उपयोग करके तय रास्ते का अनुसरण किया और बहुत कम ऊंचाई वाली समुद्री स्कीमिंग उड़ान का प्रदर्शन किया। इस सफल उड़ान परीक्षण ने गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRI बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी संचालन प्रणाली के विश्वसनीय प्रदर्शन को भी स्थापित किया है। बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए यह मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस है। इस मिसाइल को अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ बेंगलुरु स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। परीक्षण के दौरान विभिन्न रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशालाओं के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों सहित इसके निर्माण में भागीदार प्रतिनिधि भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि स्वदेश संचालित लंबी दूरियों की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास की एक प्रमुख उपलब्धि है। सेना से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।